छत्तीसगढ़ जिला राजनांद गांव के ग्राम सिंघोला और ग्राम आसरा की दो बेटी का चयन बीएसएफ में हुआ है। जिले की दोनों बेटी देश की बॉर्डर पर रहेगी तैनात। देश पर बुरी नजर रखने वाले घुसपैठियां और आतंकवादियों से सीधा लोहा लिखी। राजनांदगांव के ग्राम सिंघोला और ग्राम आसरा की दो बेटी अब देश की बॉर्डर सुरक्षा पर तैनात रहेगी। अपने अपने गांव से इकलौती बेटी जिनका बॉर्डर पुलिस में सिलेक्शन हुआ है, अब वह पश्चिम बंगाल में ड्यूटी और करेगी। वहीं इस खुशी के पल में परिजन और उसके माता पिता रेलवे स्टेशन पहुंचकर जोरदार स्वागत किए हैं। छत्तीसगढ़ की रहने वाली दो जाबाज बेटी ने कड़ी मेहनत और राष्ट्र प्रेम के जज्बे को दिल में संजोए हुए अपने ग्राम और राज्य जिले का नाम रोशन करने के लिए राष्ट्र प्रेम की भावना से कठिन परीक्षा पास करने के पश्चात सीमा सुरक्षा बल में देश के बॉर्डर में दुश्मनों के ऊपर निगाह रखते हुए सीमा पर मुस्तैद रहेगी। बस हमारे गांव में कोई भी लड़की नहीं थी। मैं पहले मतलब बहुत सारे मेहनत कर रहे थे, लेकिन हम भी एग्जाम दिए, फिर बहुत लोग एग्जाम दिए थी। पहली लड़की हूँ जो मैं अपने गाँव की, जो पहली लड़की हूँ, लग गई है कि 12वीं सिलेक्शन हो गया। और सिकर डिफेंस अकेडमी से मैं ट्रेनिंग की थी, वहाँ बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिया जाता है। हमारे सर थे ओपी साहू सर और देवेंद्र सर भी थे, वहाँ पढ़ाया भी जाता है और फिजिकल भी किया जाता है, बहुत अच्छा होता है वहाँ। तो वहाँ डेली फिजिकल के लिए जा रही थी, सिलेक्शन हो गया, अपने गांव की पहली बेटी बनी, जो मैं पहली बीएसएफ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत मैं लगी हूँ जॉब में। इसका श्रेय किसको देना चाहती है सर? इसका श्रेय किसको देना चाहती है? श्रेय सबसे पहले अपने गुरुदेव को सर, हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे सर। सब जो भी कोई लगता था ना, तो सिर्फ दिखाने के लिए लाते कि ये लोग भी थोड़ा देखेंगे, एक्साइटेड होंगे तो फिर मेहनत करेंगे करके। और सर बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए हमको सर, और अब मेरे मम्मी पापा भी मेरा साथ दिए हैं। आपको नहीं लगा बहुत कठिन है बॉर्डर पुलिस एकदम, तो मन में कैसा लगा? एक लड़की हो क्या लिए हो, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा हमको तो, मतलब यहाँ हमको वहाँ से भी उससे भी ज़्यादा कठिन, हम जिसका डिफेंस अकेडमी में कर लिए तो हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। एकदम खुशी है? हाँ बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि मैं अपने गांव की पहली बेटी हूँ जो बीएसएफ में गई। हाँ बीएसएफ में गई हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट में। कहाँ की थी आप ट्रेनिंग? ट्रेनिंग मैं सिकर डिफेंस अकेडमी मोहारा में की थी। तो अभी वहाँ मतलब प्रैक्टिस की थी, और ट्रेनिंग मैं बैकुंठपुर पश्चिम बंगाल में की थी, एसटीसी बैकुंठपुर। अभी तो आपको मिला नहीं होगा, कहाँ जाना है? मिल गया, वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल उतने दूर आपको लगा है? हाँ। कैसा लग रहा है एक लड़की? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मेरे घर वाले भी बहुत खुश हैं, हमारे सर भी बहुत खुश हैं। अच्छा लग रहा है। हाँ आपका शुभ नाम? मेरा नाम ललिता साहू है, मैं सिंघोला से हूँ। कहाँ पढ़ाई की? मैं दिग्विजय कॉलेज में पढ़ाई की हूँ, और सिकर डिफेंस अकेडमी में प्रैक्टिस की हूँ। मम्मी पापा का नाम? मेरे मम्मी का नाम श्रीमती लीलाबाई साहू है, मेरे पापा का नाम श्रीमान लीखनलाल साहू से हूँ। मैं देखती थी लड़कियों को इतना आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता, लड़कियाँ डरती हैं आगे बढ़ने से, कहीं गाँव से निकलने का अवसर नहीं मिलता। तो सारा देख के और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, बेटियों को भी चाहिए कि आगे बढ़े, फैमिली को सपोर्ट करे, सब देख के लगा कि आगे बढ़ना चाहिए। आप कहाँ की ट्रेनिंग? मैं यहाँ एसटीसी बैकुंठपुर जैसे बटालियन। आप किसको आप सपोर्ट, आपको कौन सबसे ज़्यादा किया है, जैसे आपको जाना है बॉर्डर कोई तो रहता? हाँ, है मैं सबसे पहले तो मेरी फैमिली सारे सपोर्टिंग है, मेरे मम्मी पापा, और फिर यहाँ शिखर डिफेंस अकेडमी आई, सर लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। अच्छा लगा? हाँ बहुत अच्छा लगा, खुशी लग रहा है। हाँ तो आपको क्या बोलना चाहती बाकी लोगों के लिए मैसेज? सब बोलना चाहती हूँ कि लड़कियाँ भी आगे जाएं, शिखर डिफेंस अकेडमी में जितनी सारी लड़कियाँ हैं सारे का सिलेक्शन हो, लड़के लड़कियाँ सबका सिलेक्शन हो। पूरे गांव में आपकी एक लौती लड़का हुआ है? पूरे गांव में मैं अकेली पहली जो बीएसएफ में लगी है। इतनी कठिन परीक्षा दी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे गांव में आके अपने छत्तीसगढ़ आके बहुत अच्छा लग रहा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम गामिनी साहू है।